हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गढ़वाली ट्यूटोरियल कॉर्नर। दोस्तों होपफुली आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज ट्यूसडे का दिन है और आज का दिन मेरा हनुमान जी को समर्पित रहता है, तो जय श्री राम बोल करके हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा नाइन्थ क्लास की मैथ्स का पहला जो हमारा चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसमें हमारी जो एक्सरसाइज है 1.3 चल रही है। उसमें पहला क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में किया था, आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को करने वाले हैं। अगर जिस किसी ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू इतना, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट दी डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिविजन, इफ सो हाउ। कह रहा है कि बिना लॉन्ग डिवीजन के हमने क्या करना है, इनका डेसिमल एक्सपेंशन शो कराना है। वो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये निकला कैसे है। ठीक है, ये निकला कैसे है, कैसे निकला है, हमारे पास दिया हुआ है 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 के ऊपर बार। ठीक है, अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारे पास जो डेसिमल होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। हमारे पास टू टाइप्स के डेसिमल होते हैं, उसमें पहला जो हमारा टाइप है वो है टर्मिनेटिंग और सेकंड है हमारे पास वो है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में हमारा रिमाइंडर जीरो हो जाता है और नॉन जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं उसमें हमारा जो रिमाइंडर होता है वो कभी भी शून्य नहीं होता है, उसमें रिपीटली क्या होते हैं, नंबर कंटिन्यूअसली रिपीट होते हैं। तो जो नंबर रिपीट होते हैं उनके ऊपर लगा देते हैं हम बार। कैसे, इसकी प्रोसेस है, ये सेवन हो गया, ये वन दिया हुआ है। ठीक है, अब सेवन से वन डिविजिबल तो होगा नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जीरो लगा के पॉइंट लगाना पड़ेगा और पॉइंट से हमारा एक जीरो यहां आ जाएगा। ठीक है, अब सेवन टेन को डिविजिबल कर पाएगा। ठीक है, कैसे, सेवन वन जा सेवन, थ्री बच गया, थर्टी हो जाएगा क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है, तो हमारा तो हमें दोबारा पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है, तो ऑटोमेटिकली जीरो आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, थर्टी हो गया, सेवन फोर जा ट्वेंटी एट, ठीक है, टू ट्वेंटी हो जाएगा, सेवन टू जा फोर्टीन, कितना बचाएगा, सिक्स, सिक्सटी हो जाएगा, सेवन एट जा फिफ्टी सिक्स, फोर्टी हो जाएगा, सेवन फाइव जा थर्टी फाइव, फाइव फिफ्टी हो जाएगा, सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन, कितना बचाएगा, वन, फिर जीरो आ जाएगा, हमारे पास क्या आ गया, टेन। और हमने स्टार्टिंग से क्या किया था, टेन से स्टार्ट किया, तो इसका मतलब यह जो नंबर है वह क्या होने वाले हैं, अगेन आपके रिपीट होने वाले हैं, तो हमें दोबारा करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया, जो नंबर दोबारा हमारे रिपीट होते हैं उनके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। इतना समझ में आ गया। अब आगे की प्रोसेस है, हमारे पास ये फ्रैक्शन दिए हुए हैं और इनका हमने विदाउट लॉन्ग डिविजन के हमने क्या निकालना है, इनका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। वो कैसे, वो आप वीडियो के अंत तक बने रहे बिना स्किप किए। ठीक है, तो हमारा सेकंड है 2/7, कितना है, 2/7। अब हमारे पास ये दिया हुआ है 2/7, इज दैट क्लियर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 × 1/7। ठीक है, यानी कि इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से हम लिख सकते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 1/7 की क्या वैल्यू है, ये है। ठीक है, क्या है आपके पास, 2 × 0.142857 के ऊपर बार। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या निकल जाएगा आपका, 2 × 7 = 14, 1 कैरी हो जाएगा, 2 × 5 = 10, 1 कैरी 11 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 2 × 8 = 16, 1 कैरी यानी कि 7, 1 कैरी हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 1 कैरी है तो 5, 2 × 4 = 8 और 2 × 1 = 2 और आगे लग जाएगा 0 और पॉइंट। ठीक है, और जैसे इसमें बार लगा हुआ है इसमें भी क्या लग जाएगा आपका, बार लग जाएगा। ये है आपका विदाउट लॉन्ग डिवीजन का ये वाला फॉर्म। ठीक है, ये वाली प्रोसेस इजीली है, आप नॉर्मली से आसानी से इसे कर सकते हैं। वैसे ही हमारा दूसरा क्या है दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज्यादा से ज्यादा करें और शेयर करें अपने फ्रेंडों के साथ कि उनको भी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई कठिनाई ना हो। ठीक है, दोस्ती सिर्फ घूमने या इधर उधर बातें करने से नहीं होता है, दोस्ती होती है कि आप उनकी कितनी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा सेकंड है 3/7। ठीक है, 3/7 का भी सेम प्रोसेस है, 3 × 1/7। अब 3 × 1/7 का क्या वैल्यू है, 0.142857, इज दैट क्लियर, इसके ऊपर है बार। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 3 × 7 = 21, 1 हो जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा आपका, 3 × 5 = 15 और 2 = 17 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 8 × 3 = 24, 1 कैरी है तो 25 हो जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा, फिर है
थ्री टू जा सिक्स, टू कैरी था तो एट हो जाएगा, थ्री फोर जा ट्वेल्व, ट्वेल्व का टू हो जाएगा वन कैरी हो जाएगा, थ्री वन जा थ्री, वन कैरी था फोर हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 0.428571। ठीक है, इसका इस तरीके से होगा। अगला है आपके पास 4/7, इसके लिए भी सेम प्रोसेस, 4 × 1/7, 4 × 1/7 की वैल्यू ये दी हुई है हमारे पास 0.42857 के ऊपर 12। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, 4 × 7 = 28, 2 कैरी हो गया, 4 × 5 = 20 और 2 कैरी है तो 22, फिर 2 कैरी हो जाएगा, 8 × 4 = 32 और 2 कैरी हो जाएगा तो 34, 3 कैरी हो जाएगा, 4 × 2 = 8 और 3 11 हो जाएगा तो 11 का 1 1 कैरी हो जाएगा, 4 × 4 = 16 1 कैरी है 17 हो जाएगा 1 कैरी हो जाएगा, 4 × 1 = 4 और 5 और इसके आगे लग जाएगा 0. ये लग जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसके ऊपर लग जाएगा बार, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.571428 के ऊपर बार लग जाएगा, इसका मतलब ये नंबर क्या हो रहे हैं, बार बार कंटिन्यूअसली रिपीट होने वाले हैं। अगला है आपके पास, अगला है नेक्स्ट, यहां कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5/7, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 5 × 1/7, सेम कंडीशन, 5 × 0.142857, इसका क्या हो जाएगा, 5 × 7 = 35, 3 कैरी हो जाएगा, ठीक है, 5 × 5 = 25 और 3 = 28, यानी कि 8 हो जाएगा 2 कैरी हो जाएगा, 5 × 8 = 40 और 2 = 42, यानी कि 4 कैरी हो जाएगा, 5 × 2 = 10 और 4 = 14, 14 का 4 1 कैरी हो जाएगा, 5 × 4 = 20 और 1 = 21, यानी कि 1 हो जाएगा और 2 आपका कैरी हो जाएगा, 5 × 1 = 5 और 2 = 7 हो जाएगा और 0.714285 ये आपका इसका डेसिमल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, लास्ट है हमारे पास, लास्ट है हमारे पास 6/7 = ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 6 × 1/7, 6 × 1/7 की वैल्यू क्या है, ये दी हुई है 0.142857, 6 × 7 = 42, 2 हो जाएगा आपका 4 कैरी, इधर लिख लेते हैं 4 हो जाएगा, 6 × 5 = 30 और 4 = 34, 3 कैरी हो जाएगा, 6 × 8 = 48 और 3 = 51, यानी कि 1 5 कैरी हो जाएगा, 6 × 2 = 12 और 5 = 17, 1 कैरी हो जाएगा, 6 × 4 = 24 और 1 कैरी है तो 25, 2 कैरी हो जाएगा, 6 × 1 = 6 और 2 = 8, इसका मतलब 0.857142 के ऊपर 12 और यह सभी के सभी क्या है हमारे नॉन टर्मिनेटिंग, क्या है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, डेसिमल। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब हम आगे करने वाले हैं, इसमें जो क्वेश्चन आपके नेक्स्ट हैं उनको करने वाले हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि यह वीडियो भी लेंथी हो चुकी है और साथ ही साथ इसकी प्रैक्टिस करें कि किस प्रकार से आप ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। होपफुली आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।